हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो पाठशाला। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सफोज एक्जी फायरवॉल में पोर्ट फॉरवर्डिंग करें। तो दोस्तों, हम आ गए हैं एक्जी फायरवॉल के कंट्रोल सेंटर पर। यहाँ पे मेरे सिस्टम की डिटेल्स हैं। जो ओएस वर्जन जो है मेरे फायरवॉल का है वो 18.0.5। देखिए, यहाँ पे पूरी डिटेल्स है मेरे ओएस की, मेरे फायरवॉल की यूसेज कितना हो रहा है, सीपीयू मेमोरी यूसेज है, सेशंस हैं, बैंडविड्थ कितनी यूज़ हो रही है, और यूज़र एंड डिवाइस इनसाइट्स है, सिक्योरिटी हार्टबीट्स दिखा रहा है, और एक्टिव फायरवॉल्स कितने मैंने बना रखे हैं, रिपोर्ट्स है, मैसेजेस हैं। तो ये सब मैंने मेरी ऑलरेडी मेरे फायरवॉल पर अभी रनिंग हो रही है। मैंने एक आईएएस का एक रोल क्रिएट कर रखा है, सॉरी आईएएस की एक मैंने वेब पेज बना रखा है अपने सिस्टम पर, अपने लोकल सिस्टम पर। उस पर मैंने एक वेब पेज क्रिएट कर रखा है। तो ये मेरा वेब पेज है, इसको हम पब्लिक आईपी से एक्सेस करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने लोकल आईपी से। देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको एक्सेस करके। तो ये मेरा लोकल आईपी से एक्सेस हो रहा है, ये मेरा पब्लिक आईपी से भी एक्सेस नहीं हो रहा है। उसके लिए हम पोर्ट फॉरवर्डिंग लगाएंगे। तो सिंपली हम चलते हैं होस्ट एंड सर्विसेज पर। यहाँ पर हमें एक होस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपने सर्वर के लिए। तो मैं सिंपली ऐड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप एक नाम दे दीजिए अपने सर्वर का। तो मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर, वेब सर्वर होस्ट। आईपी एड्रेस वो देंगे आप जो आपके सर्वर का आईपी एड्रेस होगा। तो मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.84। अब इसको हम सेव कर देंगे तो हमारा एक होस्ट क्रिएट हो गया है हमारे वेब सर्वर के लिए। अब आप सर्विसेज पर जाइए, यहाँ पे आपको एक सर्विसेज ऐड करनी होगी। जिस पोर्ट पे आपको फॉरवर्ड करना है वो पोर्ट यहाँ से आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखिए, आप एक नाम दे दीजिए अपने सर्विस का। मैं नाम देता हूँ वेब सर्विस पोर्ट। आप किस पोर्ट पे आपको फॉरवर्डिंग लगानी है वो पोर्ट आपको मेंशन करना होगा। मैं टाइप करता हूँ 799। एक यूडीपी पोर्ट भी आपको देना होगा, तो मैं यूडीपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं यूडीपी का पोर्ट दे देता हूँ 799। दोनों का हम पोर्ट सेम रखेंगे। किसी भी ट्रैफिक से सोर्स, किसी भी पोर्ट से ट्रैफिक आ सकता है, इसके लिए हम दोनों रखेंगे। तो मेरा पोर्ट भी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब हम चलते हैं वेब सर्वर पर। यहाँ पर अभी मेरा कोई वेब सर्वर क्रिएटेड नहीं है, तो मैं एक वेब सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ ऐड क्लिक करके। यहाँ पर हम नाम देते हैं मेरे वेब सर्वर का। तो मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे देता हूँ वेब सर्वर। अब आप देखिए, होस्ट आपको होस्ट वो सिलेक्ट करना है जो भी आपने क्रिएट किया था, जो भी आपके सर्वर का आईपी एड्रेस जो हमने बनाया था। तो मैं दे देता हूँ वेब सर्वर होस्ट। और अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पोर्ट मैंशन करना है जिस पोर्ट पर आपको फॉरवर्ड करना है। तो मैं दे देता हूँ 799 और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, मेरा वेब सर्वर हैज़ बीन सक्सेसफुली एडिट हो गया है। अब हम चलते हैं रूल्स एंड पॉलिसीज़ पे। यहाँ पे हम एक डीनेट रूल क्रिएट करेंगे। तो मैं सिंपली ऐड फायरवॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए सर्विस एक्सेस असिस्टेंट डीनेट रोल, उस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको अपना होस्ट सेलेक्ट करना होगा जो आपने होस्ट क्रिएट किया था। तो मेरा होस्ट था वेब सर्वर होस्ट, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द पब्लिक एड्रेस थ्रू विच यूजर्स कैन एक्सेस द सर्वर। तो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस, देखिए मेरे दो आईपी एड्रेस चल रहे हैं इस पर पब्लिक। तो मैं पोर्ट 4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपको जो पोर्ट आपने जिस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है अपने सर्वर को, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर्स कैन एक्सेस द सेलेक्टेड सर्विस ऑन द इंटरनल सर्वर। तो मेरा जो पोर्ट था वो वहाँ से मैंने क्रिएटेड किया हुआ था, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। वेब सर्वर पोर्ट उसको मैंने बनाया था। यहाँ पे देखिए, इसकी डिटेल भी आ गई है, टाइप है TCP UDP, डिटेल्स में उसके पोर्ट हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सर्विसेज आपकी एनी रहेगी तो इसको आप एनी रहने दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे रिव्यू एंड सिलेक्शन आ गया है, आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है वो सब दिखा रहा है। इंटरनल सर्वर टू एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट, तो जब इंटरनल सर्वर है उसकी आईपी एड्रेस ये है। उसके नीचे आ रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस थ्रू विच यूजर्स एक्सेस द इंटरनेट इंटरनल सर्वर, तो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, उसका पोर्ट नंबर 4 है, पोर्ट नंबर 4 मैंने कॉन्फिगर कर रखा है। सर्विसेज दैट यूजर्स कैन एक्सेस, तो मेरा जिस पोर्ट पे सही से ये सर्विसेज फॉरवर्ड होंगे उसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है वेब सर्वर पोर्ट। सोर्स फ्रॉम यूजर्स कैन एक्सेस द सर्वर, तो यहाँ पे मैंने उसको एनी ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, तीन रूल क्रिएट होंगे, नेट रूल्स क्रिएट होंगे इसके साथ साथ। तो एक इनबाउंड रूल है, एक आउटबाउंड रूल है और एक लूपबैक नेट है। तो यहाँ पे डिटेल भी आ गया, उसके ट्रैफिक डिजाइन टू द पब्लिक आईपी एड्रेस दिस एंड इस ट्रांसलेट टू द इंटरनल सर्वर एड्रेस, जो कि मेरा इंटरनल सर्वर का जो एड्रेस है वो है। आउटबाउंड रूल भी बन गया है यहाँ पे एक, और एक है लूपबैक एड्रेस। तो ये तीन मेरे रूल क्रिएटेड होंगे इसके साथ। और इसके बाद एक फायरवॉल रूल भी क्रिएट होगा, क्रिएट्स वन फायरवॉल रूल अलाउ एक्सेस टू द इंटरनल सर्वर फॉर वेब पोर्ट सर्विस फ्रॉम द सोर्स एनी। अब इसको आप सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए, सेव एंड फिनिश। तो ये कुछ टाइम लेता है सेव होने में, तब तक हम वेट कर लेते हैं।
तब तक हम इसका आईपी एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस। इसी पब्लिक आईपी एड्रेस से हम अपने वेब सर्वर को एक्सेस करेंगे फ्रॉम आउटसाइड। तो मेरा रूल क्रिएट हो गया है, मैं आपका रूल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रूल बना हुआ आ रहा है, डीनेट टू द वेब सर्वर, और ये फायरवॉल रूल बना है, और तीन मेरे जो नेट रूल बने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम नेट रूल्स में जाते हैं, यहाँ पे मेरे तीन नेट रूल भी बने हैं, डीनेट टू वेब सर्वर होस्ट, लूपबैक एंड रिफ्लेक्सिव। तो ये तीन ऑटोमेटिक रूल क्रिएट हो जाते हैं जब भी आप एक डीनेट रूल क्रिएट करते हैं। अब मैं अपना जो वेब पेज है उसको पहले पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस करके देखते हैं कि वो एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो पब्लिक आईपी एड्रेस, सॉरी, प्राइवेट आईपी एड्रेस तो ये एक्सेस हो रहा है। अब हम पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस करके देखेंगे कि हमारे पब्लिक आई एड्रेस पे जो हमारा ये है सर्वर, वो पोर्ट फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस डालता हूँ, एक बार हम HTTPS ला के देखते हैं कि उससे भी एक्सेस हो पा रहा है या नहीं। तो ये HTTPS जो पोर्ट है उससे एक्सेस नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट अब हमने दिया नहीं SSL का, तो अब देखिए मेरा विदाउट SSL के ये एक्सेस हो पा रहा है बाहर से पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू। तो इस तरह से आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं अपने किसी भी सर्विसेज की, किसी भी आप अपने सर्वर का या जो भी आपकी आप पोर्ट फॉरवर्ड लाना चाहते हैं कि जिस सर्विस की, उसको आप एक्सेस पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं अभी एक दूसरी विंडो खोली है, वहाँ भी एक्सेस करके देखेंगे। तो दोस्तों देखिए ये एक्सेस हो रहा है, मेरा पोर्ट फॉरवर्डिंग मेरा सक्सेसफुली हो गया है कॉन्फ़िगर्ड। तो इस तरह से आप पोर्ट फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं अपने किसी भी सर्विसेज पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।